अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हो इंशाल्लाह। तो ये है सेकंड पार्ट वीडियो का। इसका फर्स्ट जो है मैंने अपलोड कर दिया था। वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी, इस वजह से ये मैंने वीडियो को आधा करके ये सेकंड पार्ट कर दिया। मेरी दोस्त नादिया माशाल्लाह से पहले ही पहुँच गई थी बच्चों के साथ, तो उस्मान भाई अभी पहुँचे हैं। उस्मान भाई और आदम साथ में आए हैं। उस्मान भाई और आदम अंदर आ जाएं इंशाल्लाह, थोड़ी टाइम रेस्ट करें, तो फिर इंशाल्लाह मैं खाना भी लगा दूंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम आदम, हाउ आर यू? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए भाई। माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई। ये मुझसे लंबी हो गई। हाउ आर यू ब्रदर? उधर स्पेशली सिटी सेंटर में ऐसे होता है ना, उस तरफ। अच्छा, नादिया बता रही थी अभी। मैं किचन में चली गई इसके बाद खाना गरम करने के लिए, तो बच्चे इधर नादिया देख रही थी, साथ में बता भी रही थी, हलीमा को हेल्प कर रही थी रिकॉर्डिंग की। जी अभी ये हम सायमा के घर में और खाना खाने लगे हैं इंशाल्लाह। मोहम्मद आदम अहमद इस्माइल बेटा, ईसा बच्चे बैठ जाओ। खदीजा जी वेलकम। खदीजा कम वहीं। यस दैट्स, आर यू हेल्पिंग? यस And you as well, mashallah. Two more. अच्छा गाजी और मोहम्मद आदम अहमद, मोहम्मद आदम जी अहमद जी बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ वेल डन माशाल्लाह। हलीमा बेटा माशाल्लाह वेल डन। Bend your knees a little bit more. You know why? Because obviously it's gonna hurt your back. Because later on, it's not now, then it's gonna, well, you're not gonna feel now, but after a few years, because I had a problem all my life, and no one told me, found out, that I always tell people, because it's for your own benefit, because you don't want to have back problems. It's the worst thing, you know? Just be careful, yeah? Good boy, mashallah. As usual. सामा इनको बोलो प्लीज।
प्लीज अपनी लैंग्वेज बोलो ना प्लीज। अच्छा आदि कैसे? कुछ तो बोलो ना भाई, बोल सारा मेरे को समझ आ जाए तेरा। आदि क्या हाल है तेरा? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है तू भी अपनी जुबान में बोल। मैं हूं अपनी जुबान में बोलूंगा इंशाल्लाह। अच्छा अगर किसी को पसंद आऊं तो मैं अपनी जुबान में बोलूंगा। हां ये तो मोर व्यूअर्स ऐसा की दसा अच्छा पंजाबी च बोलिया या उर्दू च बोलिया? इंशाल्लाह बुरा कुछ ना बोले बाकी ठीक है। हां और मेरी दोस्त अमा को तो बिल्कुल ही ना बोले। मैं तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, मेरी दोस्त बर्दाश्त नहीं करती। अभी हम खाते हैं ये मोहम्मद आदम ने सारा बिछाया। माशाल्लाह आदम ने नीचे मैट बिछा दिया है, तो अभी हम सोच रहे थे टी टाइम करने का। मैंने डिज़र्ट वगैरह रख दिए थे और अब इधर बाइक के जाने की भी टाइम आ गई। नादिया और अहमद मेरे पास अभी रहेंगे। अभी उस्मान निकल रहे हैं और मैं बैठूंगी अपनी फ्रेंड के पास। मैं टैक्सी करके मैं भी चली जाऊंगी बाद में इंशाल्लाह। लेकिन उस्मान अभी निकल। ठीक है उस्मान जी, ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। अभी उस्मान भाई, आदम और खदीजा जा रहे हैं, तो उसके बाद नादिया बाद में जाएगी इंशाल्लाह। हम दोनों बैठ के बात करेंगे। खदीजा आर यू गोइंग? आई एम गोना मिस यू। It's cold outside. Can you grab the runner for me? Anna's gonna forget. I'm gonna grab myself a glass of water before leaving. Okay. Halima. Alhamdulillah. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. I said it. Allah Hafiz. Thank you. Mummy, Mummy, I'll see you again, inshallah. Yeah. Assalamu alaikum. इतना नहीं करते हैं, उस्मान को आगे बिठा दें। उस्मान की टांग बिल्कुल फोड़ नहीं होती ना, और पीछे जगह छोटी होती है। तो तुम बोलती नहीं हो कैसे? बोलती हूँ, कहते नहीं जी, हमें इजाजत नहीं। अच्छा अभी तक? अभी तक बहुत बहुत परेशान होती हूँ जब टैक्सी में बैठते हैं उस्मान को, बहुत ज्यादा परेशानी होती है मुझे। चले भाई और बच्चे चले गए थे, तो नादिया उसके बाद मेरे पास थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत लेट तक बातें करते रहे एक दूसरे से, माशाल्लाह से। तो आदम के लिए मुझे बहुत फील हो रहा था जब वो जा रहा था, उसका दिल तो नहीं कर रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह डैडी के लिए वो माशाल्लाह बहुत गम कर रहा था कि मुझे जाना है ना डैडी के साथ। तो फिर जब अहमद की बारी आई तो फिर इतना दिल उदास हुआ। माशाल्लाह बच्चे थोड़ी सी टाइम में इतने एक दूसरे के साथ यूज्ड हो जाते हैं ना, तो जब जुदाई की टाइम आती है तो वो एक दूसरे को जुदा नहीं कर पाते। इसी तरह अहमद भी बहुत अपसेट हो रहा था, मेरे बच्चे भी बहुत अपसेट हो रहे थे, कह रहे थे प्लीज़ प्लीज़ हमारे पास ठहर जाएं मम्मी प्लीज़, मुझे भी कह रहे थे, नादिया को भी कह रहे थे। मैंने नादिया को बहुत कहा चलो ठहर जाओ, कोई बात नहीं तुम और अहमद इधर ठहर जाओ, मगर नादिया ने कहा नहीं। उस्मान भाई का वो गम कर रही थी कि उससे मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे जाना है। फिर मैंने नादिया के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाला, मैंने कहा उस्मान भाई को ज़रूरत पड़ सकती है। तो अहमद जो है वो जब नादिया जा रही थी तो कहता है मुझे छुपा दो कहीं, तो मेरा दिल वो बहुत, अभी मुझे जब याद आता है ना वो मोमेंट, तो बहुत उदास होती हूँ कि अहमद का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। जब नादिया ने कहा मैं अकेली हूँ, मैं अकेली जाऊँगी, तो अहमद ने कहा चुपचाप, अहमद रेडी हो गया। फिर नादिया और अहमद दोनों चले गए थे। ये सेकंड पार्ट था वीडियो का, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। ये मैं डेट्स रेडी कर रही हूँ, बच्चे ऐसे खाते नहीं हैं तो मैं इनके अंदर आलमंड लगा के रख लेती हूँ, तो माशाल्लाह मेरी बेटी खुशी से ऐसे खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है शेयर कॉमेंट लाइक ज़रूर करें।
तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो बनाने की। मुझे मेरे बच्चों को आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।